नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके लिए वीडियो लेके आ गया हूँ। तो इस वीडियो में अभी मेरी कंपनी ने, जैसे आपने अगर पहले से यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब करा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने ऑफ़र निकाला हुआ है। 11,500 रुपये का अटैचमेंट आपको मिलेगा, जो कि है 13,500 रुपये तक का। तो उसको हम लोगों ने 11,500 रुपये के लिए किया हुआ है दीपावली तक। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है, कोई भी जानकारी चाहता है, तो आप मुझे कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। ये जो नंबर अभी शो हुआ था डिस्प्ले में, आप उसमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम कानपुर से हैं, हमारी कंपनी कानपुर की है। कानपुर से ही हम पूरे भारत में माल भेजते हैं। महाराष्ट्र का कोई भी ज़िला हो, बिहार का कोई भी ज़िला हो, चाहे MP चाहे UP, कहीं पर भी हम लोग हर जगह माल भेजते हैं। और पेमेंट सबसे ख़ास बात है हमारी कंपनी की, कि पेमेंट पहले नहीं होती है, पेमेंट बाद में होती है जब अटैचमेंट वहाँ पे पहुँच जाए, आपके ट्रांसपोर्ट में पहुँच जाए। इसके बाद आप अटैचमेंट अपना देख के पेमेंट आप ऑनलाइन या जैसे भी करना चाहो वैसे कर सकते हो कंपनी के अकाउंट में। पेमेंट बाद में ही होगी, इस वजह से कोई उसका पेमेंट का कोई भी इशू नहीं है। कैश ऑन डिलीवरी आपको मिल जाती है और आप पूरे भारत में कहीं पर भी डिलीवरी बताओगे, हर जगह डिलीवरी अवेलेबल हो जाती है। जो भी डिलीवरी जहाँ पे भी आप बताते हैं वहाँ पे करा दी जाती है। और जैसे ये मेरा नंबर है 9235790610, 9235790610, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और ये मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर भी है। आप इसमें कभी भी कॉल कर सकते हो और जो अटैचमेंट आपको मिलेगा वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का अटैचमेंट होगा हमारी कंपनी का, जिसमें 1 साल की हम लोग वारंटी देते हैं। 11,500 रुपये का अटैचमेंट अभी आपको मिलेगा दीपावली तक। अगर दीपावली के बाद आप मांगेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि आपको 11,500 रुपये में मिले। और अटैचमेंट की फ़िटिंग की बात आती है तो फ़िटिंग हम लोगों की बहुत ही आसान है। अब आप अटैचमेंट आप देख रहोगे आगे से ही फिट है, पीछे से कवर अप करके नहीं, पीछे से पाइप वाइप ला के वैसे कर देते हैं कुछ लोग, वो वाला नहीं रहता है। उससे क्या रहता है, एवरेज में भी गाड़ी का फ़र्क में, गाड़ी में मुझे क्या रहता है, एवरेज का भी फ़र्क आ जाता है, वज़न भी ज़्यादा होता है और चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा घेरती है गाड़ी। और जो हम लोगों की फ़िटिंग है वो देख सकते हो आप स्कूटी में, इसमें देखिए नीचे से फ़िटिंग दी गई है और नीचे से बिल्कुल नट बोल्ट की फ़िटिंग है। और इसमें हम लोगों ने हाइड्रोलिक शॉकर दिए हुए हैं, जो स्कूटी में शॉकर आ रहे हैं प्रेजेंट टाइम में लेटेस्ट, वो दिए जा रहे हैं, कोई पुराने नहीं, कि ताकि आप फ्यूचर में कभी भी बाई चांस अटैचमेंट के शॉकर ख़राब होते हैं ताकि आपको लोकल में मिल जाएं। और वैसे क्या रहता है, अगर कुछ भी लोकल हमने शॉकर लगा देते हैं तो प्रॉब्लम बाद में आती कि आपके जो शॉकर है वो मिलते ही नहीं है मार्केट में। इस वजह से ऐसे हम लोग माल देते हैं ताकि आपको वहाँ पर हर जगह आपके लोकल मार्केट में अवेलेबल हो जाए। फिटिंग इसकी नीचे से ही होती है, नट बोल्ट की फ़िटिंग है, वेल्डिंग या और कुछ करना नहीं, कुछ काटना पीटना नहीं है, सिंपल सी फ़िटिंग है। आप किसी भी लोकल मैकेनिक, जब अटैचमेंट पहुंच जाता है किसी भी लोकल मैकेनिक को, हम आपको वीडियो भेजेंगे, जब आपका अटैचमेंट पहुंच जाएगा तब हम आपको एक वीडियो भेजेंगे, आप उसको अटैचमेंट को ये देख सकते हैं। आप प्लेट में आगे देखिए क्लैंप लग रखे हुए हैं, क्लैंप यही लगते हैं उसमें। जैसे एक टीन सेट में फिटिंग आपने देखी होगी अगर, तो टीन में क्या रहता है, पहले पाइप रखते हैं, इसके बाद टीन सेट उसमें रख दिया जाता है और क्लैंप लगा दिया जाता है, बस वही पूरा प्रोसेस इसमें होता है और कुछ भी इशू नहीं आता है। और आप बाकी अटैचमेंट देख ही रहे हैं, आपको कॉम्पैक्ट अटैचमेंट रहता है ये, सिर्फ इतनी हम लोग गैप दे देते हैं। कुछ लोग कहते हैं हल्का सा इसमें दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा गैप ज़्यादा दिखता है आपके में, और पहला ये कि हम लोगों की टोटल इसकी जो चौड़ाई होती है वो लगभग 34 से 35 इंच 36 इंच ऐसे ही आती है, 1-2 इंच आगे पीछे, वरना 34 इंच 35 इंच लगभग इतनी ही आती है। क्योंकि इसमें अभी हम लोग इतने दे देते हैं क्योंकि आप देख सकते हो राइट में इतना गैप दिया हुआ है 4 से 5 उंगली का, तो इसलिए दे देते हैं ताकि बाय चांस है कि आपकी गाड़ी कहीं ख़राब पड़ गई तो आप ऑयलिंग ग्रीसिंग करा सकते हो, इंजन में कुछ काम करा सकते हो। कोई भी मैकेनिक वरना क्या बाद में कर देता है, हाथ ही नहीं रखता है गाड़ी में, हम लोग ऐसे कर देते हैं कि आप इजीली कोई भी मैकेनिक उसमें सब कर सकता है, और साइड में आप किक भी मार सकते हो, इतना हम लोग गैप देते हैं ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी कुछ प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि गाड़ी में अभी आप अभी देख के चलिए कि अभी तो हम चला लेंगे, लेकिन बाद में जब गाड़ी में प्रॉब्लम आती है तो हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। और वीडियो अगर अच्छी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट कर दीजिएगा अपना, जैसा भी इस वीडियो के बारे में आपको लगा हो तो उसको नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा।